हेलो गाइज इट इज अ क्विक रिव्यू ऑन रेटिनो ब्लास्टोमा तो क्या ये रेटिनो ब्लास्टोमा इज अ कॉमन मेलिग्नेट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द न्योसेंसरी रेटिना इन वन और बोथ आइज ठीक है न्यूरोसेंसरी रेटीना से अराइज होता है आफ्टर यू वी एल मेलनोमा इंपॉर्टेंट है इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन मेलेगनेंट इंट्रोआक्यूलर ट्यूमर ठीक है सेकेंड मोस्ट कॉमन इंट्रोक्युलर ट्यूमर है इट इज द मोस्ट कॉमन इंट्रोक्युलर ट्यूमर इन चाइल्ड हुड चाइल्ड हुड में ओवरऑल क्या है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है लेकिन चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन ठीक है यूजली सीन बिटवीन वन एंड टू ईर्स ऑफ एज रेटीनो ब्लास्टोमा इज यूनी लेटर इन सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ केसेज इन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट केसेज देर इज बाई लेटर इन्वॉल्वमेंट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या है रेटिनो ब्लास्टोमा जीन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज फोर्टींथ बैंड ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम थर्टीन दैट इज थर्टीन क्यू फोर्टीन ठीक है एंड इज अ कैंसर सप्रेशर और और ट्यूमर सप्रेशर और एंटी ऑंकोजेनिक जीन ईशन और इनएक्टिवेशन ऑफ बोथ द नॉर्मल एलियल्स ऑफ दिस प्रोटेक्टिव जीन बाय टू म्यूटेशंस इसको क्या बोलते हैं नर्टस टू हिट हाइपोथेसिस रिजल्ट इन अकरेंस ऑफ रेटिनो ब्लास्टोमा मतलब दोनों जीन का डिलीशन या इनएक्टिव दोनों मतलब दोनों एलियल्स का डिलीशन या इनएक्टिवेशन होना जरूरी है तभी यह रेटिनो ब्लास्टोमा होगा अराइजेज एज मेलिग्नेंट प्रोलीफरेशन ऑफ इमेच्योर रेटिनल न्यूरल सेल्स ठीक है इसकी पैथोनाइसिस क्या है ये दो टाइप से होते हैं इस फॉर्म होता है और फैमिलियल फॉर्म होता है तो फैमिलियल फॉर्म में क्या होगा कि एक जीन तो नॉर्मल रहेगा लेकिन एक हमारा म्यूटेंट आरबी जीन पहले से प्रेजेंट रहेगा क्योंकि फैमिलियल फॉर्म फैमिली में रन करेगा ठीक है तो मान लो किसी फादर या मदर में किसी को भी एक म्यूटेंट जीन है तो क्या होगा जब इससे इस बना इस मान लो फादर को और इससे ओवम मना फ्यूजन हुआ तो एक हमारा क्या म्यूटेंट जीन इसमें चला गया तो जो हमारे चाइल्ड हुए ठीक है सोमेटिक सेल्स ऑफ चाइल्ड तो इनमें क्या एक म्यूटेंट जीन तो पहले से रहेगा ठीक है बस अब इनमें एक म्यूटेशन की ज़रूरत है तो ये एक म्यूटेशन हो गया तो इससे क्या हो गया रिटिनो ब्लास्ट डेवलप हो गया तो टू हिट हाइपोथेसिस क्या होती है कि फैमिलियल फॉर्म हम... में तो एक हमारा पहले से म्यूटेशन था इसमें केवल एक ही म्यूटेशन की ज़रूरत हुई लेकिन जो हमारा स्पोरेडिक फॉर्म है उसमें क्या नॉर्मल मेल और फीमेल होते हैं इस ओवम बने उससे क्या फर्टिलाइजेशन हुआ फिर जो हमारी सोमेटिक सेल्स ऑफ चाइल्ड है उनमें क्या वो सारे नॉर्मल है तो इसमें दो म्यूटेशन की जरूरत होगी तो एक म्यूटेशन यहाँ पे हुआ एक म्यूटेशन यहाँ पे हुआ तो इसको क्या बोलेंगे टू हिट हाइपोथेसिस तो इससे क्या होगा रेटिनो डेवलप हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्या है हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे अगर ट्यूमर की तो क्या दिखेगा ट्यूमर चीफली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल राउंड सेल्स विथ लार्ज न्यूक्लियाई रिजेंबलिंग द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियर लेयर ऑफ रेटिना ठीक है क्योंकि क्या है इमेच्योर सेल्स ऑफ रेटिना की जो न्यूरो जो न्यूरल लेयर होती है उसका ट्यूमर है तो क्या होंगी वो स्मॉल सेल्स होंगी राउंड विथ लार्ज न्यूक्लियाई है ना कुछ ऐसी ठीक है इनमें क्या लार्ज न्यूक्लियाई दिख रहे हैं और स्मॉल सेल्स हैं सारी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर इंक्लूड मतलब इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या क्या दिखेंगे फ्लैक्नर विंटर स्टीनर रोजेट्स इंपॉर्टेंट है हाईली स्पेसिफिक फॉर रेटिनोब्लास्टोमा ये देखो रोजेट्स ठीक है ये क्या है विंटर विंटरसिनर रोजेट ये इसके बाद क्या, उसके बाद और क्या दिखेंगे होमर राइट रोजेट्स तो इसको इनको क्या बोलते हैं स्यूडो रोजेट्स और फ्लोरेट्स फॉर्मेशन है ना ये तीन चीजें दिखेंगी इंपॉर्टेंट है विंटर विंटरसिनर रोजेट्स होमर राइट रोजेट्स और फ्लोरेट्स अदर हिस्टोलॉजिक फीचर्स इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ एरियाज ऑफ नेक्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कैल्सिफिकेशन होता है ठीक है तो ये फ्लेक्सनर इंटरसिन रोजेट्स हो गए होमर रोजेट्स हो गए ठीक है और ये ट्यूमर सेल्स हो गए उसके बाद क्या है प्रेजेंटिंग फीचर्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या होता है ल्यूकोकोरिया ल्यूकोकोरिया लीको कोरिया सिक्सटी परसेंट केसेज में पेशेंट हमको इसके साथ ल्यूकोकोरिया के साथ प्रेजेंट करता है ल्यूकोकोरिया क्या है इसमें हमारी क्या है पुपिल जो है वो वाइट कलर की दिखने लगती है ल्यूकोकोरिया और एलोइस वाइट पुपिलरी रिफ्लेक्स ऑल्सो कॉल्ड एज आरनोरोटिक कैट साइज अपेयरेंस इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग फीचर सिक्सटी परसेंट केसेज में दिखता है और हमको स्ट्रेविस्मस या स्क्विन दिखता है ट्वेंटी परसेंट केसेज में पेनफुल रेड आई दिखती है सेवन परसेंट केसेज में पुअर विजन दिखता है फाइव परसेंट केसेज में बाकी ये अपने से रीड कर लेना तो ये इंपॉर्टेंट ठीक है कैट आई अपेरेंस या फिर वाइट पोपुलरी रिफ्लेक्स उसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे तो एग्जामिनेशन अंडर एनस्थीजिया इट शुड बी परफॉर्मड इन ऑल क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस इट शुड इंक्लूड फंडस एग्जामिनेशन ऑफ बोथ आइज आफ्टर फुल मेड्रियास विथ एट्रोपिन डायरेक्ट एज वेल एज इन डायरेक्ट ऑफ थेलमोस्कॉपी मेजरमेंट ऑफ इंट्राऑक्युलर प्रेशर एंड कॉर्नियल डायमीटर ये सब करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं प्लेन एक्सरे ऑफ ऑर्बिट मे शो कैल्सिफिकेशन ठीक है प्लेन एक्सरे ऑफ ऑर्बिट कर सकते हैं तो उसमें क्या हमको ट्यूमर में कैल्सिफिकेशन देख सकता है विच अकर्स इन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ केसेज ऑफ रेटनो बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्सिफिकेशन होता है सेवेंटी फाइव परसेंट केस रेटनो ब्लास्टो में फिर हमको क्या देख सकता है एल डी एच लेवल इज रेज इन एक्वस ह्यूमर ठीक है तो ये भी क्या करेगा रेटनो को सजेस्ट करेगा फिर और क्या कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सी टी एमरआई स्कैनिंग आर वेरी यूजफुल इन द डायग्नोसिस सी टी एम आर आई ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट एक्सटेंशन टू ऑप्टिक नर्व ऑर्बिट और सी एन एस तो हमारा सी टी एम आर आई से क्या पता चलता है कि ट्यूमर हमारा ऑप्टिक नर्व तक एक्सटेंशन हुआ है ऑर्बिट या स्किन उसको इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं ठीक है तो इंपॉर्टेंट है तो इसमें हम सारे एग्जामिनेशन करेंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट इन ऑफ थेलमोस्कॉपी प्लेन एक्सरे करेंगे एल लेवल चेक करेंगे सी टी हमारा करेंगे अब इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है सी ठीक है उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या है पर एक तो हम कंजर्वेटिव ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी टू तो सेलवेज आईबॉल मतलब हम एक कंजर्वेटिव थेरेपी दे सकते हैं जिससे हमारी क्या आईबॉल बची रहे ठीक है सेलवेज आईबॉल इसमें क्या केवल ट्यूमर का डिस्ट्रक्शन करें तो इस एग्जाम्पल कैसे क्या, क्या? तो एग्ज़ाम्पल कैसे क्या कर सकते हैं कीमोथेरेपी कर सकते हैं तो उसमें कहते हैं सी ये ड्रग्स होती हैं क्या क्या कार्बोप्लेटिन विनक्रिस्टिन और इटोपोसाइड तो ये तीनों नाम याद होने चाहिए है ना तो इससे क्या हम ट्यूमर को श्रिंक करेंगे और उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा ट्यूमर का स्टेज बहुत ज़्यादा हो गया है ठीक है बहुत बढ़ गया ट्यूमर तो सीधा हम ई न्यूक्लिएशन मतलब पूरी आँख को ही बाहर सर्जरी करके निकाल दिया ठीक है अब हम फंडस एग्जामिनेशन करेंगे ठीक है इधर जो एग्जामिनेशन अंडर एस्थीजिया में फंडस एग्जामिनेशन कर रहे थे डायरेक्ट इंड ऑफ थेलोस्कोपी उसमें क्या दिख रहा था कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है ये ट्यूमर है ठीक है ये इसमें दो जगह बाईफल है है ना इसमें मल्टी फोकल तीन जगह से ट्यूमरइज हो रहा है है ना तो इसे तो इसकी अपेयरेंस क्या होती है कॉटेज चीज़ अपेयरेंस बोलते हैं इसको कॉटेज चीज़ अपीयरेंस ठीक है सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट